फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको 3D डिजाइन मैंने क्यों बोला है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने कुछ फंदे डाले हैं। इसमें ऐसा कोई मल्टीपल करने का कुछ नहीं है। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे आते हैं आप उतने डाल लीजिए इसमें। तो हम इसको शुरू करते हैं। ये हम पहली सिलाई स्टार्ट करेंगे। पहली सिलाई फ्रेंड्स, ऐसे मैं पहला फंदा उतार रही हूँ, अगर आप बनाते हैं तो बना लीजिए। और उसके बाद हम ये सारी सिलाई सीधी देंगे। ऐसे धागा पीछे रखेंगे और सारी सिलाई जो है ऐसे सीधी सिलाई ही हमने देनी है। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये फ्रेंड्स, एक सीधी सिलाई हमारी ख़त्म हो गई। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं। तो उल्टी साइड पे हमने उल्टी सिलाई भी पूरी हमने उल्टी ही करनी है। धागा अपनी तरफ रखना है और हमने सारे फंदे इसमें उल्टे ही बनाने हैं। ऐसे धागा अपनी तरफ रख के सारे फंदे ऐसे उल्टे ही बनाएंगे हम, इस तरीके से। इस तरीके से हमने सारी सिलाई उल्टी ही बनानी है। इसमें फ्रेंड्स, मैंने उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। पहली दो सिलाइयां जो है हमने दोनों सिलाइयां सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी ही बनानी है। और अब हमने बनाना है इस साइड से। अब हम आ जाते हैं इसकी सीधी साइड पे और ये तीसरी सिलाई पे। तो इसको हमने सीधी साइड से उल्टा बनाना है। अब हमने इसको धागा अपनी तरफ रखना है और इस सिलाई को हमने उल्टा बुनना है, सीधी साइड से उल्टी सिलाई। इस तरीके से धागा अपनी तरफ रखेंगे और इस तरीके से इसको बनाते चले जाएंगे। अब ये सिलाई भी हम कंप्लीट करते हैं। ये फ्रेंड्स, अब सीधी साइड से ये उल्टी सिलाई हमारी ख़त्म हो गई। सारी सीधी साइड से हमने इस तरह की गांठ सिलाई करी है, इसमें ये ख़त्म हो गई। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं। तो उल्टी साइड पे हमने क्या करना है कि ये सिलाई हमने सीधी बुननी है। अब धागा पीछे करना है और ये सारी सिलाई हमने सीधी बुननी है, इस तरीके से। धागा पीछे और सारे फंदे हमने, पूरी सिलाई हमने इस तरीके से सीधी बुननी है, इस तरह से। अब फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमारी ये सीधी सिलाई जो है ये भी कंप्लीट होती है। अब फ्रेंड्स, इसकी सीधी साइड पे हम आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है कि जो हमारी ये दो सिलाइयाँ यहाँ पे उल्टी आई हैं, ऐसी हमने यहाँ पे छः बनानी है। ऐसी हमारे पास छः लाइनें होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम इसका डिज़ाइन जो है स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको आगे बताती हूँ। ये सिलाई भी हमने सीधी साइड से उल्टी ही करनी है। ये हमारी तीसरी इस तरह की लाइन बन जाएगी। तो मैं अब आपको ये पूरे छः लाइनें जो हैं कंप्लीट करके फिर आगे आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, अब हमारी हो गई ये छः सिलाइयाँ। तो अब हम आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे। उल्टी साइड पे हमने, आपने ये ध्यान रखना है कि ये पूरी आप इस तरीके से सीधी साइड से इस तरीके से बना लें छः सिलाइयाँ। उसके बाद छः लाइनें बनानी है एक्चुअली। उसके बाद हम इसका जो डिज़ाइन है वो उल्टी साइड से स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि धागा अपनी तरफ रखना है और यहाँ पे हमने पहला फंदा उतार लिया। यहाँ पे हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे। ये चार फंदे हमारे उल्टे हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो ये इस फंदे, अगले फंदे, पांचवें फंदे के बीच में से जो ये इस तरीके से जा रहा है, इसके नीचे से हम यहाँ पे ये दो उठाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये दो उठाएंगे और इनको इस पे रखेंगे। धागा हम पीछे करेंगे। धागा हमने पीछे कर लिया। इन फंदों को इसके साथ एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, जो हमारे पास अगला फंदा है उसको उठाएंगे और ये इस तरीके से हमने इनको बुन लेना है। इसके साथ सीधा बुनना है इसके साथ। अब अगला फंदा जो है वो भी इस तरीके से करेंगे। जो आगे वाला है इसके सेंटर में से देखेंगे, यहाँ से हम ये हमने यहाँ से दो उठा लिए और जो हमने उल्टी सिलाई बनाई है उसके जो उभरे हुए फंदे होते हैं उनको हमने उठाना है और इनको यहाँ पे इसके साथ हमने इसको घटा देना है। ये यहाँ पे हमने इसको घटा दिया, ये यहाँ पे घटा दिया। अब धागा आगे करेंगे और आगे छः फंदे उल्टे बनाएंगे। एक,
दो तीन चार पाँच और ये छः। आगे हम पहले हम चार फंदे उठाएंगे, चार फंदे उल्टे बनाएंगे, उसके बाद हमने वो दो फंदे नीचे से उठाने हैं, दो फंदों पे ऐसे उठा के इनको घटाना है आपस में, उसके बाद हम छः फंदे उल्टे बनाएंगे और धागा पीछे करेंगे, और धागा पीछे करने के बाद वही यहाँ से इसका सेंटर लेंगे अगले फंदे का, सातवें फंदे का, और उसके यहाँ से नीचे से ये दो ऐसे उठाएंगे और इसके साथ हम इसको घटा देंगे। ये हमने एक बार यहाँ पे घटा दिया। फिर से अगले वाले फंदे का, आठवें फंदे का भी हमने इसी तरीके से करना है। ये यहाँ पे अभी ये मेरा स्टार्टिंग से है तो इसमें तीन सिलाइयाँ आपको दिख रही होंगी, लेकिन आगे आ जाके हमारे पास दो ही आएंगी। तो ये ऐसे हमने घटा दिया, ये यहाँ पे आठ फंदे हमारे यहाँ पे हो गए। उसके बाद फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे और छः फंदे हम आगे और उल्टे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच और ये छः। ये छः फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब धागा हम पीछे करेंगे और फिर से वही इसके सेंटर से ऐसे करके दो फंदे यहाँ पे उल्टे उल्टे के जो उभरे हुए भाग होते हैं उनको उठाएंगे और इसके साथ हम सीधा बुन देंगे। ये हमने यहाँ पे सीधा बुन दिया। फिर अगले वाले फंदे का भी इसी तरीके से करेंगे, धागा पीछे ही रखेंगे और यहाँ से फिर से दो फंदे नीचे से उठा के इनको भी हमने सीधा बुन लेना है। तो फ्रेंड्स अभी आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा हम इसको बना लेंगे तो फिर ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और छः फंदे हम फिर से उल्टे बुन लेंगे, दो तीन चार पाँच और ये छः। छः फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और वही प्रोसेस, दो फंदे यहाँ से ये ऊपर उठे हुए जो होते हैं वो हमने उठाने हैं यहाँ से, और एक फंदे के साथ इनको घटा देना है। फिर से धागा पीछे रखेंगे और अगला जो फंदा है उसके साथ भी हमने इसको ऐसे ही दो फंदे यहाँ से उठाने हैं और उनको हमने दूसरी सिलाई पे ऐसे लेके उनको भी हमने ऐसे घटा देना है। तो ये हमारे यहाँ पे भी एक और डब्बी बन गई। उसके बाद धागा आगे करेंगे और अब हमारे लास्ट में जितने भी फंदे बचते हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे चार फंदे ले रही हूँ, तीन और ये चार। अब लास्ट में मैं यहाँ पे चार फंदे ले रही हूँ। आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपके पास जो भी फंदे आते हैं आप उसी हिसाब से लास्ट में डब्बी बना लें। स्टार्टिंग आप चार फंदों से करें फ्रेंड्स, जब हम स्टार्ट करते हैं तो चार फंदों से करें यहाँ से, फिर हमारी डब्बी जो है बिल्कुल ठीक आएगी। उसके बाद हम फिर से वही दो फंदे यहाँ से नीचे से उठा के और एक उसके साथ यहाँ पे हम इसको घटा देंगे, और फिर से नेक्स्ट वाले के साथ भी इसी तरीके से करेंगे। ये यहाँ पे भी हमने इसको ऐसे घटा दिया और एक फंदा बच गया, उसको हम ऐसे बुन लेंगे। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं। उल्टी साइड पे हमने सीधी साइड पे सॉरी उल्टी साइड से तो हमने ये डिज़ाइन डाला है, ये डिज़ाइन हमारा उल्टी तरफ से ही डलेगा। तो अब हमने यहाँ पे एक सिलाई यहाँ पे उल्टी आई है। अब धागा हम पीछे रखेंगे और यहाँ पे सीधी सिलाई बुनेंगे, ऐसे धागा पीछे रखेंगे और सीधी साइड से सीधा बुनेंगे इसको सारा, इस तरीके से धागा पीछे रखना है और सारी सिलाई हमने यहाँ पे सीधी ही देनी है इसी तरीके से। अब सारी सिलाई इसको सीधा कर लें। अब मैं ये कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब फ्रेंड्स सीधी साइड से हमने ये सिलाई जो है कंप्लीट कर ली, सीधी साइड से सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली हमने। तो अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं। उल्टी साइड पे फ्रेंड्स हमारी वो जो हमने यहाँ नीचे दो सिलाइयाँ उल्टी करी थी, अब वही प्रोसेस यहाँ पे दोबारा स्टार्ट होता है। इसके बाद हमने यहाँ पे छः सिलाइयाँ उसी तरीके से उल्टी साइड से सीधी बुननी है इस तरीके से। धागा पीछे रखेंगे और इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब हमने सीधा बुन लिया इनको।
बस इसी तरीके से हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे और इस साइड हमारी फिर से ये 6 लाइनें ऐसे बननी चाहिए। ऐसे मैं पूरी बना के फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अब ये 6 सिलाइयाँ फिर से कंप्लीट कर ली हैं और मैं इसकी उल्टी साइड पे आ गई हूँ। अब ये देखिए, इस साइड से इस तरीके से आप इनको भी 6 लाइनें हैं, 12 सिलाइयाँ हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 यहाँ पे हो गई हैं। तो आप इस तरीके से बना लें और उसके बाद हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं। तो उल्टी साइड पे हम इसका दोबारा जो है वो डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे एक फंदा जो है ऐसे उल्टा उठाना है, इसको सीधा उठाना है और उसके बाद धागा जो है पीछे ही रखना है। और ये जो हमारा यहाँ पे दूसरा फंदा है फ्रेंड्स, इसके यहाँ पैरों से हमने फिर से वो 2 फंदे यहाँ पे उठाने हैं, जैसे हमने पिछली सिलाई में उठाए हैं वहाँ से उठाना है और इनको सिलाई पे लेके यहाँ पर ये सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पे हम एक ही फंदा यहाँ पे उठाएंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे और 6 फंदे हम सीधे उल्टे बुन लेंगे। यहाँ पे 6 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, 4 और ये 5 और ये 6, ये हमारे 6 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से अगले वाला फंदा जो है इसके यहाँ से हमने ये उठाना है, नीचे से धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ से हमने नीचे से इसके यहाँ ऐसे आप सेंटर ले लें इसका और इसके यहाँ से हमने ये ऐसे उठाया और सिलाई पे ऐसे इसको डाल के इस तरीके से जो एक फंदा है उसके साथ हमने घटा दिया। फिर से धागा पीछे करेंगे और अगले फंदे के पैरों से भी हम इसी तरीके से 2 फंदे ऐसे उठाएंगे और ये ऐसे घटा देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे डब्बी बनानी है, ये देखिए हमारी इस तरीके से ऐसे डब्बियाँ डब्बियाँ सी बनती जाएंगी। अब धागा हम फिर आगे करेंगे और फिर से 6 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 हो गए। उसके बाद अगले फंदे जो हैं उनमें भी हमने ये 2 ऐसे उठाना है। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। ये धागा हम पीछे करेंगे और 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे और इनके साथ हम इनको सीधे फंदे के साथ हमने इनको घटा देना है। फिर से धागा हम पीछे ही रखेंगे और इसके पैरों से हम फिर से ये ऐसे उठाएंगे और इस तरीके से हम इसको घटा देंगे। अब ये देखिए, एक और हमारा यहाँ पे बन गया। फिर से धागा आगे करेंगे और 6 फंदे हम आगे फिर से उल्टे बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पे इसके पैरों से इस तरीके से, ये फ्रेंड्स आपने ऊपर से ही उठाने हैं, उभरे हुए जो भाग होते हैं वही उठाना है आपने, ज़्यादा नीचे से ना उठाएं नहीं तो यहाँ पे जाली सी बन जाएगी। ऐसे बुन लेना है और अगले वाला जो फंदा है उसके पैरों से भी हमने इनको ऐसे उठा लेना है और इनको इस तरीके से सीधा बुन लेना है। ये यहाँ पे भी हमारी एक डब्बी और बन गई। फिर धागा आगे करेंगे और 6 फंदे हम फिर से बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 हो गए। उसके बाद हमने 2 फंदे फिर से उसी तरीके से, एक बॉक्स हमारा डब्बी हमारी आगे और बन जाएगी, ये ऐसे हो गया। और उसके बाद 2 फंदे यहाँ से उठाए, ये 2 फंदे यहाँ से उठाए और इनको भी हमने आगे घटा दिया, ये हो गए। एक बॉक्स हमारा यहाँ पे फिर से बन गया और धागा अपनी तरफ करके आगे 3 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लिया इस तरीके से। ये देखिए हमारा एक बॉक्स और इस तरीके से बन गया यहाँ पे। अब हम इसकी सीधी साइड आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो सीधी साइड क्या करना है, हमने एक सिलाई हमने उल्टी ही डालनी है यहाँ पे, ये इस तरीके से धागा पीछे रखना है और सिलाई उल्टी उल्टी सिलाई हमने पूरी बनानी है यहाँ पर, सॉरी सीधी सिलाई पूरी बनानी है। इस साइड को उल्टी सिलाई आएंगी 2 हमारी, तो यहाँ से हमने सीधी सिलाई बुननी है। ये धागा पीछे रखेंगे और ऐसे सीधे सारे फंदे बुन लेंगे इस तरीके से, सारे फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुनने।
तो मैं ये सिलाई अपनी कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब फ्रेंड्स ये देखिए, हमने यहाँ पे सीधी साइड से हमने यहाँ पे सीधी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं। तो उल्टी साइड से हमने फिर से वही प्रोसेस करना है जो हमने यहाँ पे किया था उसी तरीके से। अब हमने यहाँ पे उल्टी साइड से 6 सीधी सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट करनी हैं। इस तरीके से 6 सिलाइयाँ बनानी हैं इस साइड से हमने। 12 सिलाइयाँ हो जाएंगी हमारी, पर 6 लाइनें हमने कंप्लीट करनी हैं जो कि हमने पहले बनाई थी। बस उसी तरह से हम ये बनाते जाएंगे और हमारी जो डब्बियाँ हैं वो बनती जाएंगी। ये देखिए, और ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा उभर के आने लग गया है अब। तो ये मैं सीधी सिलाई इधर से बना के और इस तरीके से 6 लाइनें एक बार फिर से आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स फिर से मैंने इसकी 6 लाइनें जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं और अब मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। ये 6 लाइनें हमारी यहाँ पे बन गई हैं। तो अब हम इसकी फिर से उल्टी साइड पे आते हैं क्योंकि हमारा डिज़ाइन जो है वो उल्टी साइड से ही ये बनता है। तो अब हमने क्या करना है कि फिर से हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने 4 फंदे बनाए थे उल्टे, उसी तरीके से हम फिर वहीं पे आ गए हैं। अब हमने इसके सेंटर से ऐसे आना है। देखते आप ये देखिए कि जहाँ भी आपकी डब्बी का सेंटर है यहाँ पे इस तरीके से आना है। तो ये हमने अपनी साइड धागा रखना है और ऐसे उल्टे फंदे बनाने हैं 4। 2 हो गए 3 और ये 4। 4 फंदे हमारे हो गए। उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और फिर हम वही प्रोसेस करेंगे। इसके नीचे पैरों से 5वें फंदे के पैरों से हम यहाँ पे 2 फंदे यहाँ उठाएंगे और उसको अगले फंदे के साथ घटा देंगे। अब ये फिर से अगले फंदे के पैरों से ऐसे उठाएंगे 2 फंदे उभरे हुए और उनको आगे ऐसे घटा देंगे। तो हमारी ये देखिए यहाँ पे डब्बी जो है इस तरीके से बन जाएगी। अब हम आगे 6 फंदे लेंगे। अब फ्रेंड्स 4 फंदों से ही स्टार्ट कीजिएगा अपना ये डिज़ाइन तो आपकी डब्बियाँ बिल्कुल सही आ जाएंगी। इस तरीके से हमने यहाँ पे 6 फंदे लेने हैं। अब ये यहाँ पे मेरे 6 फंदे हो गए हैं। तो अब हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इनके ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल नीचे से ऐसे आमने सामने से आ रहा है ये। तो ये मैंने ऐसे उठाए और ये फिर से, फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है बनाया हुआ और ये डिज़ाइन दोनों तरफ से बहुत अच्छा दिखता है, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। इसीलिए इसको 3D कहते हैं और बहुत ही इजी भी है बनाना। और ऐसे आपको लगता है कि थोड़ा सा ऐसे ही इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जब हम इसको बनाते जाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाता है। बिल्कुल भी ऊन इसमें ज़्यादा नहीं लगती है, उतनी ऊन लगती है जितनी नॉर्मल स्वेटर में लगती है या कार्डिगन में लगती है। अब ये 4 और ये 5 और ये 6, यहाँ पे 6 फंदे हो गए। धागा हमने पीछे किया और ये ऐसे फंदे उठाए और फिर से ऐसे बना दिया, हमने डब्बी बना दी अपनी। फिर से 2 फंदे उठाए और ऐसे अगले 2 फंदों के साथ इनको बना दिया। और ये 6 हो गए और ये अगले हमारे अब 7वें फंदे के पैरों से ऐसे हमने उठाया और इसको इसे बना दिया। धागा हमने पीछे रखा और अगले 8वें फंदे के पैरों से भी उठाया और इसको हमने ऐसे बुन दिया। ये हमारी डब्बी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फिर से हम आगे धागा करेंगे और यहाँ भी 6 फंदे बना लेंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसके आगे यहाँ से इसके पैरों से 1 फंदा बच जाता है हमारे पास। तो जैसे हमने फर्स्ट में या से फर्स्ट सिलाई में अपने डिज़ाइन स्टार्ट किया था उसी तरीके से हमारा ये यहाँ पे आ गया। ये देखिए हमारा ये यहाँ पे तैयार हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा डिज़ाइन जो है कितना अच्छा लग रहा है, उल्टी साइड से भी कितना अच्छा लग रहा है और सीधी साइड से भी। ये देखिए उभर के हमारा डिज़ाइन जो है वो आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स अब एक सीधी सिलाई देनी है। सीधी साइड से हमने सीधी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो हमारा डिज़ाइन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट के लिए ये स्टार्ट हो जाता है। ऐसे धागा पीछे रखेंगे और
ऐसे सीधी सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो इसी तरीके से हमने ये सीधी सिलाई ऐसे कंप्लीट करनी है और ये हमारे डब्बियाँ इस तरीके से हमारी बनना शुरू हो गई हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन बनाया हुआ, और ये उल्टी साइड से भी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। आप चाहें तो इस साइड से भी इसको रख सकते हैं और आप चाहें तो इस साइड से भी इसको रख सकते हैं, इसलिए हमारा डिज़ाइन जो है ये 3D होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, शेयर तो ज़रूर करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये समझाने का तरीका कैसा लगता है और मेरे डिज़ाइन आपको कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्द ही। थैंक यू।